नमस्कार, दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत संकाय की ओर से मैं डॉक्टर रिंदाना रहस्या आप सभी का बसंत उत्सव के इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। विगत दो वर्षों से हम सभी एक विशेष परिस्थिति से गुजर रही हैं। इस दौरान कई अपनों को भी खोया, परंतु जीवन निरंतरता का ही नाम है और जीवन की इसी निरंतरता को इस संकाय ने विभिन्न सांगीतिक उत्सवों के माध्यम से कोरोना काल में भी बनाए रखा। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आज पुनः ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। इसके पूर्व आपने संगीत संकाय में हो रही सरस्वती पूजा का लाइव टेलीकास्ट देखा। आइए अब संकाय के सरगम कॉयर द्वारा प्रस्तुत एवं संकाय के सह प्राध्यापक डॉक्टर विनीत गोस्वामी द्वारा निर्देशित सरस्वती वंदना से इस पावन अवसर का शुभारंभ करें। हर जड़ता गुरु बुद्धि
तेरा सामनो तब पर कमले आई कुंठा विष हरि जय जय भगवती सुर भारती तब चरणों नमः जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों इस सुंदर सरस्वती वंदना के बाद अब विभागाध्यक्षा प्रोफेसर अलका नागपाल जी से मेरा निवेदन है कि वे सभी का स्वागत करें। नमस्कार। वसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर उपस्थित आप सभी का ललित कला संकाय की ओर से स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर विकास गुप्ता जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं, तथा विशिष्ट अतिथि विश्वविख्यात गायक सम्माननीय पद्मश्री पंडित उल्लास कशालकर जी का अभिनंदन करती हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अमूल्य समय प्रदान कर हमें अनुग्रहित किया है। इसके लिए आप दोनों का संपूर्ण संकाय की ओर से बहुत बहुत आभार। वसंत उत्सव है वसंत ऋतु के शुभ आगमन का। इस उत्सव के साथ वसंत ऋतु का स्वागत किया जाता है, साथ ही शरद ऋतु का गमन प्रारंभ होता है। चारों ओर नई कोपले खिल जाती हैं और चहुं ओर रंग बिरंगे फूलों की बहार आ जाती है। खेतों में सरसों की पीली पीली बालियां लहलहाने लगती हैं। वसंत पंचमी का यह पावन दिवस विद्या की देवी माता सरस्वती के अवतरण के रूप में भी बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। माता सरस्वती की पूजा कर आज के दिन विद्या आरंभ करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। विभिन्न कलाओं की एवं ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना का यह दिन संगीत के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा संगीत संकाय इस उत्सव को प्रतिवर्ष परंपरागत रूप से बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता रहा है, परंतु गत दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण हम इसे आपके साथ प्रत्यक्ष रूप में साझा नहीं कर पा रहे हैं, परंतु गूगल मीट के माध्यम से संकाय का सदा प्रयास रहा है कि इस कमी को पूरा किया जा सके तथा इस कड़ी को ना तोड़ा जाए। संकाय इसके लिए पूरे प्रयास करता है, इस विश्वास के साथ कि आगे इस महामारी से मुक्ति पाकर हम पुनः इस उत्सव का प्रत्यक्ष रूप से हर्षोल्लास से मना पाएंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूं और पुनः सभी महानुभावों का अभिनंदन तथा आभार व्यक्त करती हूं। सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। इट इज आवर प्राउड प्रिविलेज टू हैव डॉक्टर विकास गुप्ता, ऑनरेबल रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज अ चीफ गेस्ट। He has been an associate professor in the Department of History, Delhi University. His broad area of academic research includes historical and contemporary aspects of education in modern India, with special focus on curricular knowledge, social inequalities, state policies, and school practices. We wholeheartedly welcome Dr. Vikas Gupta, sir. Param Adarniye, Professor Alka Nagpalji, Head Department of Music and Dean Faculty of Music and Interdisciplinary Sciences and Arts.
respected professors, teachers, and my dear students. Aaj Basant Panchmi ka din hum sab ke liye ek nayi urja leke aata hai. हम जानते हैं कि भारत की 6 ऋतुओं में से वसंत ऋतु विशेष है. इसे ऋतुराज या मधुमास भी कहते हैं. हर साल यह त्योहार जो आज का दिन है हमारा बसंत पंचमी का, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. आज ही के दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और बसंत पंचमी के दिन से जब शरद ऋतु की विदाई के साथ पेड़ पौधों और प्राणियों का संचार होने लगता है, प्रकृति नव यौवना की भांति श्रृंगार करके झरकने लगती है. ऐसे लगता है कि जैसे कि हमारी पूरी प्रकृति एक तरीके से इखला रही है. पेड़ों पर नई कोपलें, रंग बिरंगे फूलों से भरी बागों की क्यारियों से निकलती भीनी सुगंध, पक्षियों के स्वर और पुष्पों पर भंवरों की गुंजर से वातावरण में मादकता छाने लगती है. कोयलें कुक कुक के बावरी होने लगती हैं. तो ये जो त्योहार है, जब हम मनाते हैं तो आज के इस त्योहार के साथ ही हम जो विद्या की देवी माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हैं. हम सब जो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, हमारे लिए माँ सरस्वती विद्या की देवी हर क्षण एक नया संचार पैदा करती है. साथियों, मैं चाहूंगा आज का ये दिन और आने वाला हर वक्त हम बसंत पंचमी की तरह ही मनाएं. हम लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़े, साथ में ही औरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जब एक जना आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा. तो मैं पुनः ही आप सब लोगों को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से धन्यवाद करता हूं फैकल्टी ऑफ म्यूजिक का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं. धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू सर फॉर योर एनलाइटनिंग वर्ड्स एंड फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. वी आर आल्सो वेरी ऑनर्ड टू हैव पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, a senior and renowned exponent of Gwalior, Jaipur and Agra Gharana, as the guest of honor today. He was trained under the stalwart vocalists Pandit Raja Bhau Kogaje, Pandit Ram Marathe and Pandit Gajanan Rao Joshi in Gwalior, Jaipur and Agra Gharana styles. A recipient of Sangeet Natak Academy Award, amongst many others, he is a senior guru at ITC Sangeet Research Academy, Kolkata, Bengal Parampara Sangeetalaya, Dhaka, and MIT Gurukul, Pune. We wholeheartedly welcome Pandit Ulhas Kashalkar ji. Delhi Vishwavidyalaya ke संगीत विभाग के ओर से आज बसंतोत्सव मनाया जा रहा है. मैं
वहाँ के सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी और विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन सरस्वती पूजन हम सभी संगीतकार लोग करते हैं, क्योंकि संगीत ये इसकी अधिष्ठाती जो है वो है माँ सरस्वती, उसकी उपासना करते हैं। और विद्या की भी देवता माँ सरस्वती है, इसलिए आज के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और मैं यही बताना चाहता हूँ आज के दिन कि विद्या, संगीत ये जो विद्या है जो माँ सरस्वती ने हमको दिया है, ये सब विद्या वो अभी कहाँ मिलेगी आपको? ये जो आप लोग पढ़ रहे अलग अलग राग है, बंदिश है, गायकी है, यही विद्या है। तो वैसा तो रोज़ सरस्वती का पूजन हम लोगों ने करना चाहिए कि आज हम अगर एक कुछ तान तैयार करते हैं, कुछ लयकारी करते हैं, तो लय में भी विद्या है, सुर में भी विद्या है, और इसका रोज उपासना होना चाहिए। तो आज से ये जो आप पूजन कर रहे हैं तो साल भर और जन्म भर ये करने की विद्या है, और ये माँ सरस्वती की कृपा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत फिर से शुभकामना देता हूँ कि आप ये जो संगीत में कुछ करना चाहते हैं वो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और विद्या हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू पंडित जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। इट इज डिपार्टमेंट्स प्राउड privilege to announce the awards received by the toppers. Srimati Lakshmi N. Trivedi Award of the cash prize of ₹7,000 for the university topper of BA Honours Hindustani Vocal Music goes to Sarvashreshth Mishra. Professor V.K. Agarwal Memorial Award of cash prize of ₹7,000 for securing first position in BA Honours Instrumental Music goes to Sushant Sathu. Dr. M. Vijay Lakshmi Memorial Award of cash prize of ₹5,000 goes to Vaibhav Sakshi for being the university topper in MA Hindustani Vocal Music. Professor V.K. Agarwal Memorial Award of cash prize of ₹7,000 for securing first position in MA Hindustani Instrumental Music goes to Divyanshu Shrivastav. Tal Samrat Pandit Chote Lal Mishra Award of cash prize of ₹2,500 goes to Harshvardhan Tyagi for securing first position in MA Hindustani Percussion Music. Professor A.S. Paintel Memorial Award of ₹11,000. Dr. Rakesh Bala Saxena Memorial Award of ₹5,000. And Professor Anjali Mittal Memorial Award, cash prize ₹5,000 and a shield, goes to Shraboni Bhattacharya for being the topper of MPhil Part 1 in Hindustani Vocal Music. Professor V.K. Agarwal Memorial Award of ₹7,000 goes to the topper Pragyan Sharma in MPhil Part 1 in Hindustani Instrumental Music. The department congratulates all the awardees and wishes them the very best for their future achievements. इसी के साथ हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। इस वर्ष प्रस्तुतियों की श्रृंखला में संकाय में चालित चार विधाओं में से हिंदुस्तानी गायन, हिंदुस्तानी तंत्री वादन, कर्नाटक गायन एवं हिंदुस्तानी अवनद वादन के विभिन्न समूह प्रस्तुति देंगे, जो आपके समक्ष
बसंत के विभिन्न रंगों से इस बसंतोत्सव को विशेष बनाएंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं प्रकृति का आंतरिक जुड़ाव है। विभिन्न प्रहरों के साथ ही विभिन्न ऋतुपरक राग भी हमारे यहाँ गाए बजाए जाते हैं। ऐसे ही रागों पर आधारित प्रस्तुति देंगे हमारे संकाय के छात्र छात्राएं, जिसमें राग बसंत, राग बहार और राग बसंत बहार रागों का सम्मिश्रण है। इसका निर्देशन किया है संकाय के ही सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत डॉक्टर विनीत गोस्वामी ने। आइए इस समूह गायन का आनंद लें। Yes, 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 yes
अभी आप सुन रहे थे राग बहार की एक बंदिश, जिसके रचनाकार हैं ग्वालियर घराने के स्तंभ गायकों में से एक पंडित विनय चंद्र मौद्गल्य। आड़ा चौताल में निबद्ध राग बसंत बहार की बंदिश एवं अंत में राग बसंत में एक तराना, जिसके रचनाकार संकाय के ही प्राध्यापक डॉक्टर विनीत गोस्वामी हैं। प्रस्तुति दे रहे थे संकाय के विद्यार्थी एलिस, नकुल, अभिमन्यु, अमन, ऋषभ, शताक्षी एवं मुस्कान। तबले पर साथ दे रहे थे संकाय कलाकार श्री गुलशन शर्मा। अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है वाद्य वृंद, जिसका निर्देशन संकाय के ही सह प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल कृष्ण शाह के निर्देशन में किया गया है। वायलन पर होंगे आरिब एवं चंदन, सितार पर सौमेंद्र एवं
मनन, बांसुरी पर कबीर, सरोद पर होंगे सुरजॉय एवं तबले पर सुकांत। प्रस्तुत है संकाय के ही छात्र छात्राओं द्वारा राग बहार में वाद्य वृंद। Thank you.
इस मनभावन वाद्य वृंद के पश्चात प्रस्तुत है कर्नाटक समूह गायन। संकाय के छात्र छात्राएं प्रस्तुत करेंगे विद्वान मुथुस्वामी दीक्षितर द्वारा राग कलावती एवं आदि ताल में निबद्ध कृति। तत्पश्चात विद्वान महाराजपुरम संतानम द्वारा राग बसंत बहार एवं आदि ताल में निबद्ध तिल्लाना। इसका निर्देशन कर रहे हैं संकाय के ही सह अध्यापक डॉक्टर प्रशांत जी पाई। प्रस्तुत है कर्नाटक समूह गायन। Thank you.
Dira na 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 dira
जनु तदीप तनदिरना Thank you.
ये मनमोहक प्रस्तुति दे रहे थे संकाय के ही छात्र छात्राएं। गायन पर थी अनन्या, भार्गवी एवं राधिका। वायलिन पर साथ दे रहे थे जी राघवेंद्र। मृदंगम पर थे कनन वीएम। बसंत के इस पावन उत्सव की अंतिम प्रस्तुति है मंगल ध्वनि तालवाद्य समूह। संकाय के ही विद्यार्थी श्रेय, सृष्टि, शिवम एवं निशान तबले पर तथा सारंगी पर साथ देंगे संकाय के ही कलाकार श्री शंभु सिसोदिया। इसका निर्देशन किया है डॉक्टर अजय कुमार ने, जो संकाय में तबले के सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं तीन ताल में प्रस्तुत मंगल ध्वनि। Thank you.
इस सुंदर प्रस्तुति के साथ ही आज की बसंत उत्सव के कार्यक्रम की श्रृंखला समाप्त होती है। ऋतुराज बसंत आप सभी के जीवन को महकाए, इसी आशा के साथ मैं डॉक्टर रिंदाना रहस्या सभी ऑनलाइन दर्शकों को हमसे जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।